हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मार्जिनल फंक्शंस के बारे में। मार्जिनल फंक्शन में हम मार्जिनल कॉस्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में भी पढ़ेंगे। पिछली दो वीडियोस में आपने कॉस्ट फंक्शन, एवरेज कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन और एवरेज रेवेन्यू फंक्शन, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ा समझा। आज हम यहाँ पर बात करते हैं कि मार्जिनल फंक्शंस क्या होते हैं। अगर हम कॉस्ट के बारे में बात करें, पहले मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बात करते हैं। सपोज़ आप किसी भी अपना प्रोडक्शन जब आप कर रहे हैं, मान लो आप 100 यूनिट आपका प्रोडक्शन होता है। अब आप चाहते हैं कि भाई मैं उसमें एक यूनिट और प्रोड्यूस करूं, यानी 101 यूनिट प्रोड्यूस करूं। अब नेचुरल है कि जब आप 100 से 101 यूनिट करोगे तो आपकी कॉस्ट में कुछ चेंज तो होगा। तो वो जो कॉस्ट में जो चेंज होगा वो क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, तो इसको एक्चुअली में क्या बोला जाता है, इट इज़ एन अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। यानी जितना भी आपका आउटपुट हो रहा है उसमें अगर आप एक एडिशनल यूनिट और प्रोड्यूस करना चाहते हो तो उसकी आपको कॉस्ट क्या पड़ेगी, अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या पड़ेगी, उसको बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। तो दैट मीन्स अगर हम डेरिवेटिव के हिसाब से बात करें तो मार्जिनल कॉस्ट हमारी क्या हो गई, इफ़ सी और सी एक्स इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट। ये आपके पास एक कॉस्ट फंक्शन आ गया एक्स यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। देन मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी जितना प्रोडक्शन कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में उसकी जो कॉस्ट में क्या चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, आपका मार्जिनल कॉस्ट। तो अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो मार्जिनल कॉस्ट क्या कहता है कि आपको रेट ऑफ चेंज किसका करना है, टोटल कॉस्ट का। रेट ऑफ चेंज कैसे हम निकालते हैं, डेरिवेटिव से निकालते हैं। तो कॉस्ट फंक्शन का अगर आप डेरिवेटिव करते हो डैट मीन्स डी सी बाई डी एक्स, ये हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट। समझ में आ गई बात यहाँ तक। अब अगर ऐसे ही आप मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकालना चाहते हो तो सेम वही चीज़ है। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एवरेज कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी जितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बन गया, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रिलेशन बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो इस रिलेशन को समझने के लिए आपको ये पता है कि भाई मार्जिनल एवरेज कॉस्ट आप कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट होता है कॉस्ट फंक्शन को अगर आप एक्स से डिवाइड करते हैं तो आपकी एवरेज कॉस्ट आती है, यानी सी अपॉन एक्स। अब इसका आप डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सी का डेरिवेटिव करेंगे तो क्वेश्चन रूल यहाँ पर लगा रहे हैं, सी का डेरिवेटिव करेंगे डी सी बाई डी एक्स, एक्स एज इट इज़ माइनस सी एज इट इज़, और एक्स का डेरिवेटिव करेंगे 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर आप 1 बाई एक्स कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकालने के बाद आपके पास ये फंक्शन बचता है। अब इसमें अगर आप इसको डी सी बाई डी एक्स का मतलब क्या है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स मार्जिनल कॉस्ट। सी अपॉन एक्स क्या होता है, एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पर इन तीनों के बीच में ये रिलेशन बनता है, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट किसके बराबर होती है, 1 बाई एक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट माइनस एवरेज कॉस्ट। तो ये तो हो गया आपका मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। सेम इसी तरह से अगर हम मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन निकालेंगे तो उसमें क्या होगा आपके पास, इट इज़ एन अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू ऑन वन एडिशनल यूनिट। यानी जितना यूनिट आप सेल कर रहे हो, अगर आप उससे एक यूनिट ज़्यादा सेल करो तो भाई कितना ज़्यादा पैसा आ सकता है, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी, तो वो अगर निकालना है तो आप निकालेंगे मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। तो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन सेम वही चीज़, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी डी आर बाई डी एक्स हो गया। आर हमें पता है कि आर को आप पी इन टू एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब रिलेशन हम यहाँ पर बनाते हैं, इस आर की जगह हमने लिखा पी एक्स, इसका डेरिवेटिव गिरा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर पी का डेरिवेटिव हो जाएगा डी पी बाई डी एक्स, एक्स एज इट इज़ प्लस पी एज इट इज़, और एक्स का डेरिवेटिव 1। तो हमारे पास यहाँ से अगर हम पी कॉमन निकाल दें, पी मीन्स प्राइस ऑफ ए प्राइस पर यूनिट, तो पी हम कॉमन निकाल दें तो आपके पास ये रिलेशन बचता है। तो यहाँ पर एक चीज़ और समझते हैं हम, ये कहता है इन ए प्योरली कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट नॉट बाय द प्रोड्यूसर। अगर प्योरली कम्पिटेटिव इन्वायरमेंट होता है मार्केट में तो जो किसी भी चीज़ का प्राइस होता है वो मार्केट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, प्रोड्यूसर के द्वारा नहीं कि भाई मेरा माल सस्ता कर दूँ, मैं जब मर्जी मैं महंगा कर दूँ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मार्केट जो होती है वो उस प्राइस को डिसाइड करती है। दैट मीन्स जो प्राइस होता है वो कॉन्स्टेंट रहता है। कॉन्स्टेंट रहने का मतलब है कि अगर आप उसका डेरिवेटिव कर दो तो जीरो हो जाएगा, डी पी बाई डी एक्स जीरो। इस डी पे बाई डी एक्स को अगर मैं यहाँ पुट कर दूँ तो ये सारा जीरो हो गया, बचेगा क्या, पी बचेगा। तो पी किसके बराबर आ गया, मार्जिनल रेवेन्यू के। मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस के बराबर होता है। ठीक है, आप पी को आप कैसे लिख सकते हो, एवरेज रेवेन्यू भी बोल सकते हो पी को,
अगर आप यहाँ से पी की वैल्यू निकालोगे, आर अपॉन एक्स मीन्स एवरेज रेवेन्यू। तो जो मार्जिनल रेवेन्यू होती है वो एवरेज रेवेन्यू के बराबर होती है अगर कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है मार्केट में। लेकिन अगर वहाँ पर मोनोपोलिस्टिक इकोनॉमी होती है, यानी किसी चीज़ की मोनोपोली होती है, तो उस केस में जनरली क्या होता है, पी जनरली डिक्रीज एज एक्स इंक्रीज। जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होता है, यानी आपकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज होती है, प्राइस उसका डिक्रीज होता जाता है, दैट मीन्स डी पी बाई डी आर इस सिचुएशन में लेस देन जीरो होता है। अगर डी पी बाई डी आर लेस देन जीरो होता है तो यहाँ से अगर हम इसी को यूज़ करके रिलेशन निकालें तो मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा एवरेज रेवेन्यू से कम आएगा, कभी भी उसके बराबर नहीं होगा या उससे बड़ा नहीं होगा। तो ये सारे कुछ दो तीन फार्मूलाज थे, इसको समझने के बाद हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं 6.8, उससे आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चंस आपको किस तरह से इसमें करना है। तो बच्चों, एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहता है गिवन द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर एक्स यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज सी एक्स इक्वल्स टू, ये कॉस्ट फंक्शन आपको दिया हुआ है, सी एक्स इक्वल्स टू 1/3x³ + 3x² - 16x+2। द फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन अभी अभी हमने डिस्कस किया, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स, यानी जो कॉस्ट फंक्शन है उसका आपको डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x² / 3 + 6x - 16, इससे ये कैंसिल, तो ये बन गया आपका मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। अगर हम एवरेज कॉस्ट निकालें तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं भाई, कॉस्ट फंक्शन को x से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये तो पिछले एक्सरसाइज में भी काफ़ी क्वेश्चन किए थे हमने, 1/3x³, इसको हम x से डिवाइड करेंगे तो सीधा क्या आ जाएगा, x² 3x - 16, ये हो गया आपका एवरेज कॉस्ट फंक्शन। सेकेंड क्वेश्चन की बात करो, सेकेंड में कहता है द कॉस्ट फंक्शन सी एक्स ऑफ ए फॉर्म इज गिवन बाय दिस। सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको सी एक्स दिया हुआ है, सी एक्स कितना है यहाँ पर, 2x² - 4x, 2x² - 4x + 5। अतः फाइंड द एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट बतानी है आपको, और उसके बाद फिर मार्जिनल कॉस्ट बतानी है व्हेन एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो पहले हम एवरेज कॉस्ट निकाल लेते हैं, एवरेज कॉस्ट वही आ गई आप यहाँ से आ गई 2x - 4, ठीक है, x से आपको डिवाइड करना है। मार्जिनल कॉस्ट निकालो पहले, तो मार्जिनल कॉस्ट मीन्स आपको इसका डेरिवेटिव करना है, या आगे आपके पास 4x - 4। अब ये कहता है कि मार्जिनल कॉस्ट आपको फाइंड करनी है व्हेन x इक्वल्स टू 10, तो इफ x इक्वल्स टू 10 देन मार्जिनल कॉस्ट तो कितनी बन जाएगी आपके पास, 4 × 10 - 4, दैट मीन्स 36, ये आ जाएगी आपकी मार्जिनल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में भी आपको एक कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, 3/4x² - 7x + 27। अब यहाँ से अगर आप निकालते हो, कहता फाइंड द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस फॉर विच मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट आपको यहाँ पर क्वेश्चन में बराबर दिए हुए हैं, इसकी हेल्प से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मार्जिनल कॉस्ट जैसे आपको पता है कि भाई इसका आप डेरिवेटिव कर दो, 2 आगे आ जाएगा, 2 × 3 = 6/4x - 7। एवरेज कॉस्ट निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी, इसको आप x से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3/4x - 7 + 27x। अब इन इक्वेशन को आप सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करो, यहाँ से देखो -7 तो -7 से कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लाके माइनस करोगे, 6 - 3 = 3 आ गया, 3/4x = 27x। अब यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x² आ जाएगा आपके पास 27 × 4/3, तो 3×9 = 27, x² की वैल्यू आ गई आपके पास 36, दैट मीन्स x आ जाएगा आपके पास 6, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आप लोगे नहीं, x का मतलब क्या है यहाँ पर, जब कितनी आप क्वांटिटी वहाँ पर प्रोड्यूस कर रहे हो तो प्रोडक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए x की वैल्यू सिर्फ आपको लेनी है 6। क्वेश्चन नंबर अगर हम फोर्थ की बात करें, तो फोर्थ क्वेश्चन में आपको क्या कहता है, द एवरेज कॉस्ट फंक्शन फॉर एक्स यूनिट ऑफ ए कमोडिटी इज दिस। अब यहाँ पर आपको एवरेज कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, यानी एसी दिया हुआ है, ठीक है, ठंडी हवा वाला एसी नहीं है, एवरेज कॉस्ट है ये 1/3x² + 3x - 7 + 16x। तो एवरेज कॉस्ट फंक्शन देने के बाद आपसे पूछता है फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन हमें नहीं दिया, यहाँ एवरेज कॉस्ट दी हुई है, तो एवरेज कॉस्ट की हेल्प से अगर आप कॉस्ट फंक्शन निकालोगे तो उसके लिए एवरेज कॉस्ट के लिए क्या करते हैं, एक्स से हम डिवाइड करते हैं, तो कॉस्ट फंक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये बन जाएगा 1/3x³ + 3x² - 7x + 16।
अब आपसे मार्जिनल कॉस्ट पूछता है, अब तो आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल दो। मार्जिनल कॉस्ट मतलब एवरेज कॉस्ट, सॉरी जो कॉस्ट है उसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x² / 3 प्लस में 6x - 7, ये कैंसिल, आपका ये आंसर आ गया मार्जिनल कॉस्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछता है, शो दैट द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इज गिवन बाय दिस। मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट क्या, आपके पास एवरेज कॉस्ट तो ये दी हुई है, तो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट आप निकालोगे इसके हिसाब से तो क्या बनेगा, 2/3 x प्लस में 3, और ये तो 0 हो जाएगा, इधर से आ जाएगा -16/(x²)। ये आपके पास आ गई मार्जिनल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन, ठीक है। अब ये कहता है कि शो दैट द मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इज गिवन बाय दिस। तो यहाँ पर आपको बोला हुआ है कि मार्जिनल एवरेज कॉस्ट आप ऐसे निकाल सकते हो, x·MC − CX / (x²)। तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, इसकी वैल्यू इसके बराबर आती है नहीं आती है ये हम चेक करते हैं। तो यहाँ से आप देखो मार्जिनल कॉस्ट हमारी कितनी आई है, मार्जिनल कॉस्ट ही आई है, इसको आप यहाँ पर पुट करो, x²(6x − 7) कॉस्ट फंक्शन ये था आपके पास, इसको आप यहाँ पर पुट करो, डिवाइडेड बाय x²। तो ये जो डिवाइडेड बाय x² है ये इधर आ गया। अब इसको आप सिंपलीफाई करो, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x³ हो गया, 6x² - 7x, इधर से आ गया -1/3 x³ -3x² + 7x - 16 / x²। जो x³ वाली टर्म एक ये है और एक ये है, दोनों को सॉल्व करेंगे, यहाँ से 3 - 1 = 2 आ गया, 2/3 x³। x² वाली टर्म ये दोनों हो गई आपके पास 3x², 7x - 7x कैंसिल, -16 / x². अब इस x² को अगर आप अलग अलग करते हो सबके साथ, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे अगर कर सकते हो तो आपका आंसर आ गया। यहाँ से देखो x² और x³ को सॉल्व करेंगे तो 2/3 x आ गया, यहाँ से आपके पास +3 आ गया, यहाँ से -16/(x²) आ गया, और ये जो आपका आंसर आया ये इसके बराबर आ गया। तो इस तरह से आप ये प्रूव कर सकते हो कि जो मार्जिनल एवरेज कॉस्ट होती है वो इसके बराबर होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th में बच्चों आपसे कहता है कि वेरीफाई दैट d/dx ऑफ एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू 1/x·MC − AC। कॉस्ट फंक्शन आपको ये दिया हुआ है। अब इस कॉस्ट फंक्शन में जो वेरीफाई आपको करना है उसमें आपको एवरेज कॉस्ट चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट चाहिए, तो ये दोनों चीज़ तो हम पहले निकाल लेते हैं। तो आप पहले एवरेज कॉस्ट अगर निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट क्या आ जाएगा, इसको आप x से डिवाइड कर देंगे, तो इसको आप ऐसे अलग अलग डिवाइड कर दो। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हो गया कि आपको इसका डेरिवेटिव करना है। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा 1/√ax + b, फिर ax का डेरिवेटिव करोगे तो a आ जाएगा, और c का डेरिवेटिव हो गया 0, मतलब ये आ जाएगा a/√ax + b। अब यहाँ पर आप जो लेफ्ट हैंड साइड है पहले उसको सॉल्व करो। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है यहाँ पर कि d/dx ऑफ एवरेज कॉस्ट, यानी d/dx आपको किसका करना है, एवरेज कॉस्ट, मतलब ये आपके पास इसका आपको डेरिवेटिव करना है। इसमें तो ये वाला पार्ट है, इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्वेश्चन टूल लगाना पड़ेगा आपको प्रॉपर। तो उसके लिए क्या करना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करते हैं 1/√ax + b, फिर ax का डेरिवेटिव करेंगे तो a आ जाएगा, यहाँ पर सीधा a ले लेता हूँ, (x) माइनस साइन, रूट वाली टर्म यानी न्यूमिनेटर एज इट इज़, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करते हैं 1, ये तो आ गया इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव सीधा आ जाएगा -c/(x²)। अगर आप इन दोनों को थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं एलसीएम लेके, तो यहाँ पर अगर आपके पास एलसीएम आ गया 2√ax + b, तो इधर आ गया आपके पास ax, इधर से इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो रूट दोनों का ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हो जाएगा 2 (ax + b) -c/(x²)। तो इसको आप सिंपलीफाई करो, ax और -2x यानी -ax आ जाएगा, और -b यानी माइनस आप कॉमन निकाल दो, इस तरह से आप लिख सकते हो -c/(x²)। यहाँ पर देखो ax + b, ऊपर इसकी होल पावर 1 आ रही है, नीचे होल पावर हाफ आ रही है, इन दोनों को अगर हम सिंपलीफाई करें तो ये बन जाएगा -1/√
ए एक्स प्लस बी एंड माइनस सी अपो में एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास किसका, लेफ्ट हैंड साइड आ गई डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन। अब जो राइट हैंड साइड है उसको हम सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू आपको निकालनी है 1/x mc माइनस ac। तो 1/x mc कितना है आपके पास, mc आपके पास ये है a अपॉन में 2 रूट ax प्लस बी माइनस ac, ac आपके पास ये है तो ये आ गया माइनस ax प्लस बी अपॉन में x प्लस में c अपॉन x, मतलब माइनस ही हो जाएगा वो भी। तो अब यहाँ पर देखो इस 1/x को, चलो बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इन दोनों को सिंपलीफाई कर दे। इसको आपको कुछ नहीं करना, ये तो आपके पास देखो आ जाएगा जब आप x को से मल्टीप्लाई करोगे c अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा, आपको बस इसको सिंपलीफाई करना है। तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए आपको पहले एलसीएम लेंगे, यहाँ पर एलसीएम में ये आ गया और x भी एलसीएम में आ जाएगा। a से x मल्टीप्लाई हो गया ए एक्स माइनस, यहाँ से ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट हट जाएगा यानी 2 ax प्लस बी आ गया। अब यहाँ से आप ए एक्स माइनस 2x करेंगे तो माइनस ए एक्स आ जाएगा, माइनस बी आ गया, नीचे आपके पास आ गया 2 ax प्लस बी इंटू में x माइनस सी एक्स। अब आप यहाँ पर फिर से अगर सिंप्लीफाई करो, फिर से अगर सिंप्लीफाई आप करो तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, माइनस देखो कॉमन आ गया ए एक्स प्लस बी अपॉन में 2 रूट ए एक्स प्लस बी, इस x को मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ से इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे फिर से आ जाएगा माइनस 1/2 रूट ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस सी अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो ये वाली साइड और ये वाली साइड देखो आपकी बराबर आनी चाहिए, बराबर आ रही है नहीं आ रही है, तो ये वाला पार्ट तो बराबर आ रहा है, इस वाले पार्ट में थोड़ा सा गड़बड़ आ रही है। गड़बड़ क्यों आ रही है, क्योंकि जब हमने यहाँ कोशेंट रूल लगाया तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर ही नहीं किया। तो ये आपके पास यहाँ पर आपको इसका स्क्वायर कर देना है इनटू में एक्स स्क्वायर इनटू में एक्स स्क्वायर और यहाँ पर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर। तो अब आप देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपके बराबर हैं, तो यानी ये प्रूव हो गया कि ये वाला फंक्शन इसके बराबर होता है। ऐसे इसका जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में भी आप ऐसे ही करेंगे, पहले सेकेंड पार्ट में भी आप ए सी निकालो एम सी निकालो फिर डेरिवेटिव करो इनका। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है बच्चों, ये आपको एक वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट है 3x प्लस में x रेज़ टू पावर 5 अपॉन में 25। कहता है शो दैट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेज विद आउटपुट x, यानी जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा तो इसकी जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पर हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पे आ गए। आपको फंक्शन इंक्रीज करना है, ये चेक करने के लिए क्या करना होता है, उसका जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन जीरो आना चाहिए। तो हम यहाँ पर यही चीज़ चेक करते हैं, पहले तो हम क्या करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाएगी, एवरेज कोई भी आपको निकालनी है तो उसके लिए करना क्या होता है, एक्स से डिवाइड करना है। तो यहाँ से आ जाएगा 3x प्लस में x रेज टू पावर 5 अपॉन 25 डिवाइडेड बाय x, तो ये आ जाएगा 3 प्लस में x रेज टू पावर 4 अपॉन में 25। अब ये आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। अब इसका डेरिवेटिव निकाल के मुझे देखना है कि इसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो रहता है नहीं रहता है। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आप ये पूरा लिखने के बजाय इसको हम वाई फंक्शन मान लेते हैं, ये आपके पास एक y फंक्शन आ गया। अब आप इसका डेरिवेटिव करो। अब जैसे आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन करे थे सेम उसी तरह करना है। इसका डेरिवेटिव जीरो हो गया, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4x³ अपॉन में 25। ठीक है, तो अब हम यहाँ से अगर आप डेरिवेटिव इसका निकाल लिया, हमने डेरिवेटिव आ गया इसका 4x³ अपॉन में 25। अब यहाँ पर देखो कोई नेगेटिव साइन कहीं नहीं है, नेगेटिव साइन कहीं नहीं है, यानी जैसे जैसे x इंक्रीज़ करेगा वैसे वैसे आपका जो dy by dx है वो भी इंक्रीज़ करेगा। अगर x की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन जीरो होती है तो उस केस में जो dy by dx है उसकी वैल्यू भी आपकी ग्रेटर देन जीरो ही आएगी, क्योंकि जीरो तो आप रख नहीं सकते। जीरो का मतलब तो वहाँ पर आउटपुट आपका जो जितना भी आप कमोडिटी बना रहे हो, जो प्रोडक्ट बना रहे हो, वो जीरो हो गया। तो जीरो पे तो आपको निकालना नहीं है। जैसे जैसे x इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे मतलब पॉजिटिव होगा, x की वैल्यू जितनी आप पॉजिटिव करते जाओगे dy by dx भी उतना आपका बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स dy by dx ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो इससे आप ये प्रूव कर सकते हो कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज़ कर रही है, इंक्रीजेज विद आउटपुट x। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7th क्वेश्चन में कहता है इफ़ c इक्वल्स टू दिस, c फंक्शन आपको दिया हुआ है 2x अपॉन में x प्लस 4 अपॉन में x प्लस 1।
प्लस में 6 इज द टोटल कॉस्ट ऑफ, ये टोटल कॉस्ट आपको दे रखी है ऑफ प्रोडक्शन एक्स यूनिट ऑफ ए कमोडिटी, शो दैट द मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स कंटिन्यूसली एज एक्स इंक्रीजेज। अब यहाँ पर कह रहा है कि जैसे जैसे एक्स इंक्रीज करेगा तो ये जो है कॉस्ट जो फंक्शन है वो डिक्रीज करेगा, मार्जिनल कॉस्ट सॉरी। तो पहले मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेते हैं। मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए आपको इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग आपने इसका डेरिवेटिव किया, 2x का 2 आ गया, ये आपके पास एज इट इज रहेगा। फिर प्लस का साइन, 2x एज इट इज रहेगा, आपको इसका डेरिवेटिव करना है। अब इसका डेरिवेटिव कर रहे हो, ये ऑलरेडी कोशेंट में है तो यहाँ पर कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा। एक्स प्लस 4 का डेरिवेटिव हो गया 1 इंटू में डिनोमिनेटर माइनस एक्स प्लस 4 एज इट इज इंटू में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। 6 का डेरिवेटिव करेंगे तो वो 0 आ गया। तो इसको आप सिंप्लीफाई करो जितना आप कर सकते हो। यहाँ से एक तो देखो मैं 2 ऊपर से कॉमन निकाल देता हूँ और एक्स प्लस 1 कॉमन निकाल देता हूँ, तो यहाँ से बच गया आपके पास एक्स प्लस 4, यहाँ से एक्स रह गया। इधर से इसको सिंप्लीफाई करोगे एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 4 यहाँ पर आ गया माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 का बस एक्स प्लस 1। तो ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट आ रही है। मार्जिनल कॉस्ट को भी अगर मैं इन टर्म ऑफ वाई लिख लूँ तो ये आपके पास हो गया 2 अपॉन में एक्स प्लस 1, और यहाँ से आप एलसीएम लोगे एक्स प्लस 1, एलसीएम आ गया। एक्स प्लस 1 को एक्स प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 4 और माइनस 3x। इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको आप लिख सकते हो ऐसे एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेते हैं। और एडजस्ट का मतलब हो गया जैसे ये भी स्क्वायर में ये भी स्क्वायर में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें भी थोड़ा सा और हम ऐसे करते हैं एक्स प्लस 1 प्लस 1, इसको 2 को मैंने ऐसे तोड़ दिया ताकि थोड़ा सा सिंपल हो जाए, और डिनोमिनेटर दोनों के साथ अलग अलग कर देंगे, इसके साथ भी अलग इसके साथ भी अलग। तो यहाँ से आ गया 1 और यहाँ से आ गया आपके पास 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। अब ये आपके पास y फंक्शन आ गया। अब इसका डेरिवेटिव करके हमें चेक करना है कि इसका डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो dy बाई dx निकालो। अब यहाँ पर पहले पावर वाला रूल अप्लाई करोगे, 2 आगे आ गया 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 एज इट इज़। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे 0, इसका डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो आप ये 2 टू जा 4 हो गया, 1 प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 इंटू में माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे आ रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करते हो, सॉल्व करने के बाद आप देखोगे जो इसका साइन है ये जो माइनस साइन है ये तो ख़त्म होगा नहीं, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में आ गया। तो जो भी इसका आंसर आएगा उसमें हमेशा आप एक्स की वैल्यू कैसे भी इंक्रीज कर लो, एस एज एक्स इंक्रीजेज, जो आपका डी वाई बाई डी एक्स है वो डिक्रीज ही करेगा, लेस देन जीरो ही रहेगा बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन। आप एक्स की वैल्यू कुछ भी डालते रहोगे यहाँ पर जो ये जो माइनस साइन है, तो आपका डेरिवेटिव हमेशा लेस देन जीरो रहेगा। दैट मीन्स इससे यहाँ पर ये प्रूव हो जाता है कि जैसे जैसे आप एक्स को इंक्रीज करते हो आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो डिक्रीज होती जाती है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8th। तो क्वेश्चन नंबर 8th में आपको एवरेज कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है और उसमें पूछता है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट एंड द मार्जिनल कॉस्ट एज द फंक्शन ऑफ एक्स। टोटल कॉस्ट निकालनी है, मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। तो टोटल कॉस्ट आ गई आपकी, अब क्योंकि आपको एवरेज कॉस्ट दी है तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए एक्स से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 36, ये आ गया आपके पास टोटल कॉस्ट। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है। मार्जिनल कॉस्ट के लिए जो कॉस्ट फंक्शन है, तो कॉस्ट फंक्शन आपका क्या बना है, ये बना है, वो नहीं है, ठीक है, ये कॉस्ट फंक्शन बना है, तो इसका आपको डेरिवेटिव करना है, उससे आपके पास आ जाएगी इसकी मार्जिनल कॉस्ट। तो ये दोनों तो आपके निकल गए। उसके बाद अब जो सेकंड पार्ट है उसमें कहता है द आउटपुट फॉर विच एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेज, द आउटपुट फॉर विच एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेज, यानी एक्स की वैल्यू बतानी है जहां पर आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करेगी। तो यानी आपको जो एवरेज कॉस्ट है इस फंक्शन को हम ले लेते हैं वाई,
वाई इक्वल्स टू में एक्स प्लस में फाइव प्लस में 36 अपॉन एक्स। यानी हमें यहाँ पर देखना है कि जो वाई फंक्शन है ये जब इंक्रीज़ करेगा तो उसमें एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए पहले आप डी वाई बाई डी एक्स निकालो। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब हो गया यहाँ से वन आ गया, यहाँ से आ गया माइनस 36 अपॉन में एक्स स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि बिकॉज एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस। अब एवरेज कॉस्ट इंक्रीज़ कब करेगी, जब आपका जो डी वाई बाई डी एक्स है ये ग्रेटर देन जीरो होगा। अब डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या है, ये आया है तो वन माइनस 36 अपॉन में एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करो, इसको आप इधर लेके जाओ तो वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 36 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एक्स की जो वैल्यू है आपके पास आ जाएगी ग्रेटर देन 6। ठीक है, प्लस माइनस दोनों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी वैल्यू एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 6 आ जाएगी। यानी अगर एक्स की वैल्यू आपकी 6 है या उससे सॉरी 6 से ज़्यादा है तो आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो भी हमेशा इंक्रीज़ करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th, उसमें आपको कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 9th आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9th में आपको कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है। सी दिया हुआ है आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में के। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में पूछता है आपसे स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन। अब स्लोप का जो टॉपिक हमने पढ़ा था, अगर आपको उसमें ध्यान हो कि किसी भी जब टेंजेंट का जब हम स्लोप निकालते थे तो हम क्या करते थे, उसका डेरिवेटिव करते थे। तो यहाँ पर भी आपको एवरेज कॉस्ट का वो स्लोप पूछ रहा है, तो एवरेज कॉस्ट पहले निकाल दो। एवरेज कॉस्ट आ गई आपके पास, इसको एक्स से डिवाइड कर देंगे, ए एक्स प्लस में बी प्लस में के अपॉन एक्स। अब इसका आपको स्लोप निकालना है तो इसका आपको डेरिवेटिव कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से ए आ जाएगा, इसका तो जीरो हो जाएगा, इसका आ जाएगा माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका मतलब स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट फंक्शन इक्वल्स टू ए माइनस के अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये तो आ गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछता है, स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। अब मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन का स्लोप निकालोगे तो इसका मतलब पहले आपको मार्जिनल कॉस्ट निकाल लेनी चाहिए। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो ये आ गया टू ए एक्स प्लस में बी। अब आपको इसका स्लोप निकालना है तो आपको इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू ए, तो यानी इसका जो स्लोप आ जाएगा, स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इक्वल्स टू टू ए। क्वेश्चन नंबर 10th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10th देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10th में क्या दिया हुआ है आपको। 10th में कहता है था डिमांड फंक्शन ऑफ ए मोनोपोलिस्ट इज गिवन बाय दिस। पी आपको दिया हुआ है यहाँ पर डिमांड फंक्शन 1500 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर पूछता है आपसे फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू फॉर एनी लेवल ऑफ आउटपुट x, आल्सो फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल्स टू 10। तो एक बार आपको मार्जिनल रेवेन्यू बताना है। मार्जिनल रेवेन्यू बताने के लिए आपको क्या चाहिए, पहले रेवेन्यू फंक्शन तो चाहिए ना, रेवेन्यू फंक्शन तो दिया नहीं है, तो लेकिन ये पता है हमें कि जो रेवेन्यू फंक्शन होता है वो p इंटू एक्स होता है। तो p की वैल्यू ये है, उसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, सॉरी रेवेन्यू फंक्शन आ गया। अब रेवेन्यू फंक्शन की हेल्प से आप मार्जिनल रेवेन्यू निकालो। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ रेवेन्यू फंक्शन, ये मतलब था। तो इसका आप डेरिवेटिव करोगे, ये आ जाएगा 1500 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर। अब उसके बाद कहता है कि मार्जिनल रेवेन्यू बताना है एट x इक्वल्स टू 10। तो एट x इक्वल्स टू 10 जब आप रखोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना हो गया यहाँ पर, 1500 माइनस 4 इंटू 10 माइनस 3 इंटू में 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 40, यहाँ से 100 इंटू 300, तो 1500 में से आपको 340 माइनस करना है, तो ये आ गया आपके पास 1160। क्वेश्चन नंबर देखो 11th क्वेश्चन में कहता था डिमांड फॉर ए सर्टेन प्रोडक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। 11th क्वेश्चन में भी आपको पी दे रखा है डिमांड फंक्शन, 300 प्लस में 25x, 300 प्लस 25x माइनस एक्स स्क्वायर। अब आगे कहता है फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू, वही मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है तो पहले रेवेन्यू निकालो। रेवेन्यू के लिए इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, 300x प्लस में 25x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, इसका डेरिवेटिव करो, 300 प्लस में 50x माइनस 3x स्क्वायर। उसके बाद कहता है कि ऑप्टेन द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इक्वल टू 12 यूनिट एंड इंटरप्रेट इट। अब आपको यहाँ पर मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है जब x की वैल्यू आपकी 12 आएगी। तो इफ़ x इक्वल्स टू 12 तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना आ गया आपके पास, 300
प्लस में 50 इंटू 12 माइनस 3 इंटू में 12 का स्क्वायर, तो ये बन गया आपके पास 600 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 144 को 3 से मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा 432, 900 हो गया, 900 में से 432 माइनस करो तो 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 3 6, 8 माइनस 4 4, तो यहाँ पर आई वैल्यू आ गई आपके पास 468। तो अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 12 बनी, आउटपुट आपका अगर 12 होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा, 468 हो जाएगा। फिर आगे इसका एक पार्ट और भी दिया हुआ है, उसमें कहता है कैलकुलेट R13 माइनस R12। तो यहाँ पर इसके थर्ड पार्ट में आपसे पूछता है R13 माइनस R12, तो हम पहले क्या करते हैं R13 की वैल्यू निकाल लेते हैं, R12 की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर बाद में उसको माइनस करते हैं। R13 का मतलब हो गया है जो रेवेन्यू फंक्शन है उसमें आपको 13 पुट करना है, MR में नहीं करना। तो यहाँ पर 1300 इंटू में 13 प्लस 25 इंटू में 13 का स्क्वायर माइनस 13 का क्यूब। अब यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या अपने इक्वेशन को थोड़ा सा आप छोटा करना चाहते हो तो आप यहाँ से 13 कॉमन निकाल लो। तो यहाँ 300 रह गया, यहाँ 25 इंटू में 13 रह गया, यहाँ पर 13 का स्क्वायर रह गया, तो ये आ गया आपके पास। अब थोड़ा आप सिंपल हो जाएगा, यहाँ पर 300 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करोगे, 13 फाइव ज़ा 65, 13 टू ज़ा 26 प्लस में 6 यानी 32, और ये आ गया 169, ये आ गया 625 माइनस 169, तो 13 इंटू में 15 माइनस 9 6, 11 माइनस 6 5, 5 माइनस 1 4, तो ये आ गया 13 इंटू में 456। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 13 6 ज़ा 78 बचा आपके पास 7, 13 5 ज़ा 65 प्लस में 7 72, 13 4 ज़ा 52, 52 प्लस में 7, 52 प्लस में 7 यानी 59। अब आप निकाल लो R12 निकालोगे तो फिर आपको क्या करना है, वही काम करना है, यहाँ पर x की जगह 12 पुट कर देना है। तो 300 इंटू में 12 माइनस प्लस 25 इंटू में 12 का स्क्वायर माइनस 12 का क्यूब। अब यहाँ भी आप क्या करो, 12 कॉमन निकाल दो, 300 प्लस में 25 इंटू में 12 माइनस 12 का स्क्वायर, 300 12 फाइव ज़ा 60 24 और 6 30 6 माइनस 144 या 600 माइनस 144 इसको माइनस करोगे ये आ गया 456। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 6 ज़ा 72, 12 5 ज़ा 60 प्लस 7 और 12 4 ज़ा 48 प्लस में 6। अब इन दोनों को आपको माइनस करना है, R13 माइनस R12, तो ये आपके पास आया 5928 5472। तो माइनस करेंगे 8 माइनस 2 6, 12 माइनस 7 5 और 8 माइनस 4 4 456। तो यहाँ पर अगर आप देखो आपके पास जो ये 456 आया, 456 यहाँ पर कहाँ से बन रहा है, यहाँ पर देखो ये बन रहा है 300 प्लस में 25 इंटू 13 माइनस 13 का स्क्वायर। अगर उसको आप यहाँ पर देखो ध्यान से तो आपके पास ये फंक्शन है, प्राइस है आपके पास 300 प्लस में 25 इंटू में x माइनस में x का स्क्वायर। तो यानी यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ये वही वैल्यू होगी जब आपकी यहाँ पर 13 यूनिट आप प्रोड्यूस करोगे तो उसका जो प्राइस होगा इसके बराबर होगी। मतलब इसका मतलब हुआ कि ये 456 इंडिकेट एग्जैक्ट अमाउंट यील्डेड बाय 13 यूनिट, यानी जब x की वैल्यू 13 यूनिट होगी तो वहाँ पर जो आपको प्राइस मिल रहा है तो वही वैल्यू आपकी यहाँ पर इसके बराबर आएगी अगर आप R13 माइनस R12 निकालते हो। ऐसे अगर आप R14 माइनस R13 निकालोगे तो वहाँ पर किसकी वैल्यू आ जाएगी, जो 14th यूनिट होगी उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो आज की इस क्लास में हम यहीं तक ही क्वेश्चन करते हैं, अभी इसके अंदर 10 क्वेश्चन और बाकी हैं तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंडक्ट करेंगे। इतने आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें, कोई डाउट हो कुछ कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज के इस क्लास में इतना ही, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।